अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उड़ गए हैं हम और हो गई है हमारी दोपहर। और ये मम्मी बोल रही हैं कि रोज़ रोज़ ऐसा क्यों बोलते हो, तो भाई यही तो अपनी टैग लाइन है, बोलो तो बदल देते हैं। और आप लोग कैसे हैं भाई? हम तो उड़ गए हैं, लेकिन थोड़ी सा आज जो है पेट के साइड में दर्द हो रहा है, क्योंकि अपन कर रहे थे पेट वाली एक्सरसाइज कल, उसके वजह से हो सकता हो रहा हो यार। और मम्मी क्या कर रही हैं हम आपको दिखाते हैं। मम्मी धो रही हैं मिट्टू और फिर मम्मी से बनवाएंगे नाश्ता। ये यहाँ पे मिट्टू रखा है ना, यहाँ पे सारे मिट्टू धुल रहे हैं, मम्मी बैठी हैं। तो मम्मी क्या बन रहा है आज नाश्ते में? आज बनेगा हाफ फ्राई ब्रेड। थोड़ी तेज तो बोलो, सुनाई दिया भाई आप लोगों को, हमें तो नहीं सुनाई दिया। थोड़ी तेज बोलो, नाश्ता नहीं करा का, क्या बनेगा आज? आज बनेगा पोहा, हाफ फ्राई ब्रेड और चाय। तो आज भाई पोहा, हाफ फ्राई पाव और ब्रेड और चाय बनने वाली है अपन को नाश्ते में। तो जैसे ही नाश्ता बनता है हम आपको दिखाते हैं हमारा नाश्ता, तब तक आप लोग करो वेट। आज नाश्ते में है एकदम मस्त हेल्दी नाश्ता टाइप का मिला है आज तो, प्रोटीन से भरपूर। तो आज नाश्ते में है एक तो आपका हाफ फ्राई दो अंडों का, एक ब्रेड, एक हाफ फ्राई दो अंडों का बढ़िया, उसके बाद दो ब्रेड हैं, एक पाव है और वहाँ रखी है हमारी चाय। सो यम्मी, चलो अब खाते हैं भैया और फिर करते हैं आपसे बाकी की बातें। तो जैसा देखा आपने, नाश्ता करके हम फ्री हो गए हैं, पर अभी तक बिस्तर जो है वो नहीं जमा है। आज हमारे निक्की भैया का टर्न था जमाने का बिस्तर, पर उन्होंने नहीं जमाया। क्यों निक्की बिस्तर का नहीं जमाया? ओए देख रहे हो आप, बैठे हैं बस अपने टैबलेट में लगे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स, बिस्तर नहीं जमाते हैं। तो चलो अपन ही जमा लेते हैं, आज आपको हम दिखाएंगे हमारा बिस्तर कैसे जमता है। ये देखो जमा लिया है हमने अपना बिस्तर, कितना बढ़िया लग रहा है ना यार। हाँ ऐसे ही सबको जमाना चाहिए। तो अब आज का तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है खास, बस अब थोड़ी सा नहा धो के तैयार हो के नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद शाम को एक काम करेंगे कि आपको हम अपनी छत दिखाएंगे और छत से जो व्यू होता है हमारा वो हम आपको दिखाएंगे। और बस कल जैसे शादी हुई थी तो आप लोग बताना आपको कल का ब्लॉग कैसा लगा शादी का। मज़ा तो बहुत आई थी यार, लेकिन ये तो सच में भैया हमारे गए नहीं थे, जाते तो और मज़ा आती, पर चलो कोई बात नहीं। तो आ गए हैं हम नमाज पढ़ के वापस, अब देखते हैं घर पे क्या बन रहा है आज। हाँ जी मम्मी जी बताइए आज क्या बन रहा है खाने में? खुशबू तो बढ़िया आ रही है, एकदम बेहतरीन नॉनवेज वाली बन रहा है क्या आज? बताओ फिर क्या बन रहा है यार, मम्मी इतनी देर से पूछ रहे हैं क्या बन रहा है, बताएं आप। भुजिया वाला गोश्त। थोड़ी तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। भुजिया गोश्त। तो आज बन रहा है भुजिया गोश्त, तैयारी चालू हो गई है एकदम मस्त। मुंह में तो पानी आ गया सुन के यार, कितना टाइम लगेगा अभी बनाने में? और आधा घंटा। आधे घंटे में बनना है अभी? बताओ यार आधे घंटे कितना टाइम, और फिर अभी रोटी के चावल, चावल और वो भी चावल के साथ ही यार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम मस्त भुजिया गोश और चावल, एकदम मज़ा आ जाएगी आज। कल भी शादी में होकर आए थे, बेहतरीन खाना था, वहाँ पे भी बिरयानी, उसके बाद तंदूरी रोटी और सब्ज़ी, एकदम आहा हा, आज भी एकदम आहा हा हो जाएगा। तो हम आपको थोड़ी सा व्यू दिखाते हैं। ये बन रहा है हमारा गोश भुना वाला, और इसमें डले जा रहे हैं मसाले, और ये कुकर हमारा जो है टूट गया था तो इसलिए उसको भी बांध रखा है। तो मम्मी इसमें अभी क्या क्या डलता है भुने वाले गोश में, थोड़ा बताएंगी आप? इसमें सब डलता है, मसाला, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और
तो इसमें स्पेशल क्या है जिसके वजह से ये भुना मसाला बनता है? ये पूरा भूंज के बिल्कुल पानी नहीं डलता, इसमें सीरा नहीं रहेगा, बिल्कुल तरी बिल्कुल नहीं रहेगी, नहीं बनेगा। मसाला भूंज के बस सीटी लगाएंगे, उसका पूरा पानी जरा उड़ा के फिर भूंज लेंगे। ये बन के हो गया है तैयार हमारा खाना। ये है भुना गोश्त, ये है चावल और वो है सैलेड। अब अपन खाते हैं क्योंकि अब अपन से नहीं जा रहा है रुका। और ये आ गए हैं हम अपनी छत पर। ये है हमारी छत, ये हम आपको देते हैं पनोरमा व्यू पूरा, और आपको फिर बैक कैमरे से भी दिखाते हैं। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है क्योंकि यहाँ आगे इस साइड वाले एरिया में, मोस्टली इस साइड वाले एरिया में एक भी वैसा बड़ा सा घर नहीं है, तो सनसेट जब होता है ना तो यहाँ से पूरा सनसेट दिखता है। तो आप चाहो तो यहाँ रोज़ आकर सनसेट देख सकते हो, पर आना मत क्योंकि मेरा घर है, घर वाले मार डालेंगे, भीड़ लग जाएगी सनसेट देखने के लिए, है ना। और हम जो है वो डेली सनसेट तो हम देखते नहीं हैं। तो हम आपको एक बार बैक कैमरा से दिखा रहे हैं, रुको। तो यहाँ लगता हमको बहुत ज़्यादा अच्छा है ऊपर छत में आके यार, क्योंकि एक तो व्यू इतना अच्छा मिलता है, बिल्कुल स्पेस। यहाँ पीछे साइड तो जैसा कि आपने देखा घर वगैरह बने हैं, लेकिन ये जो तीन एरिया हैं, तीन डायरेक्शन, ये बिल्कुल ओपन है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है यार, आराम से बैठे रहो, हवा आती, गर्मी ठंडी, बरसात में तो नहीं लेकिन हाँ बरसात में भी बहुत अच्छा लगता है यार। यहाँ से पूरा ऐसा रेन जो है ना दिखता है, और फॉग वाले एरिया ठंड में तो एकदम बेहतरीन। अभी जब ठंड आएगी ना अच्छी कड़क वाली, तब देखो फिर आप, एकदम फॉग जब हो जाता है ना, रेसिडेंट ईविल वाली फील आती है। अभी तो चाय का टाइम नहीं हुआ है, अगर चाय बन जाती है आज जल्दी तो फिर अपन ऊपर छत पर आके ही चाय पियेंगे। अभी चलते हैं नीचे, हमने सोचा कि चलो अभी आपको आके दिखा दें। अच्छा मौसम भी हो रहा था, सूरज भी उतना ज़्यादा नहीं था, तो हमने कहा चलो आपको आके दिखाते हैं हमारी छत और आपको भी एक्सपीरियंस कराते हैं। तो भाई हो गई है शाम और अपन ने आज कुछ नहीं किया है और कुछ करने का प्लान भी नहीं था, बस बैठे हैं, थोड़ी बहुत टीवी देख रहे हैं। अब चलते हैं, मम्मी से बोलते हैं चाय बनाओ और चाय पीते हैं अपन। हाँ मम्मी बन गई है क्या चाय? ये मम्मी बैठी हैं यहाँ पे और ये चाय खोल रही है। क्या बात है, अपन के आने के पहले ही हमारी चाय खोलने लगी। देखना है क्या आपको, दिखा रहे, रुको। ये देखो भाई, ये खोल रही है चाय। और आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी आज की चाय बहुत अच्छी बने। कभी कभार बनती है अच्छी, बाकी रोज़ नहीं, नहीं रोज़ अच्छी बनती है ऐसा नहीं है, मम्मी बहुत अच्छी चाय बनाती है। कभी कभार अपन को नहीं लगती अच्छी, बनती अच्छी है पर अपन को लगती नहीं है, वो अपनी गलती होती है। तो आज जो है अच्छी चाय मिलेगी इंशाल्लाह अपन को, जैसे रोज़ मिलती है। तो हम पीते हैं चाय, उसके बाद फिर रात का आज कुछ प्लान तो है ही नहीं यार, तो फिर टीवी देखेंगे और क्या।